जिला बस यूनियन अध्यक्ष ओमकार सिंह की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जल्द ही रूट को मोटरवेल बनाने का आश्वासन दिया। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। संवाददाता मसरत अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में जिला बस ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में जिला बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी, बस मालिक, बस स्टाफों द्वारा बदायूं म्याओं की सड़कों के गड्ढों को भरने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल एक्सीएन को निर्देश देकर एक सप्ताह में सर्वे करवाकर गड्ढे भरने के निर्देश दिए। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष ओमकार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बस हमारी लगभग 100 प्राइवेट बसें उपरोक्त मार्ग पर वैध शासन द्वारा अनुज्ञा पत्रों पर संचालित होती है तथा शासन को मार्ग कर के रूप में लगभग 50,000 रुपये प्रति माह देय करती है। करीब एक साल से बदायूं से म्याओं तक का मार्ग अत्यंत टूटा है तथा इन पर भयंकर गड्ढे हैं और दुर्घटनाएं भी घटित होती है। रास्ते में कई गड्ढे तो ऐसे हैं जिसमें बस का या अन्य भारी वाहनों की स्टीयरिंग फ्री हो सकता है, जिसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसको हमने लिखित रूप से जिलाधिकारी को दिया है, जिस पर तत्काल जिलाधिकारी ने एक सीएन को कॉल करके सब गड्ढे भरकर मोटरवेल करवाने के निर्देश दिए एवं हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उक्त रूट को मोटरवेल करवा दिया जाएगा। इस अवसर पर अवनेश पाल, रणधीर सिंह, बबलू शर्मा, राजीव सिंह, रियासत, शिरोज, इंद्रेश, कुंजराम, विनोद, रामू, चंद्रपाल, मू अजहर, सचिन गुप्ता, नीलपाल, सब्बीर, हरिओम, नरेंद्रपाल, पुष्पेंद्र, बाबू हसन, कल्लू, सत्यवीर, राम, रोहित, जहिर, गुड्डू, दिलीप, देवेंद्र, वाजिद, जाकिर अली आदि मौजूद रहे। सही करो, 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 सही करो,